और इसी बीच मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में यानी राजस्थान में सर्दी के तीखे तेवर, 7 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अलर्ट जारी है। तो बड़ा अपडेट है प्रदेश में मौसम को लेकर, सर्दी के तीखे तेवर अभी जारी है। 7 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे गलन और चटवाने वाली सर्दी का असर और बढ़ेगा। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ये 7 जिले जहां पर शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजस्थान में इन दिनों कई जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर शामिल हैं। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने से हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दिल्ली हवाई अड्डे पर दिल्ली मुंबई फ्लाइट के लिए यात्रियों को 6 से 17 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। कल सुबह 10:30 बजे तक दृश्यता शून्य रही, जिससे करीब 200 उड़ानों में देरी हुई, जबकि 79 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, तो वहीं 10 उड़ानों का मार्ग बदला गया। ऐसे में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखी गई। यात्रियों को कहीं खाना नहीं मिल पाया तो कहीं सुविधाओं के लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। तो अभी शीतलहर का अलर्ट 7 जिलों में राजस्थान को लेकर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, यानी ये 7 जिले जहां पर आज शीतलहर चलेगी, जिससे कि सर्दी के तीखे तेवर और बढ़ेंगे। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा